गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो गाइज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रीवियस क्लास से। तो गाइज़ हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री सीख रहे थे, राइट। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने अपनी लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन निकालनी सीखी थी। कंसंट्रेशंस किस किस तरह से, कंसंट्रेशंस हमारे पास बहुत तरह की वैराइटीज़ थी, लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सभी के मायने मैंने आपको समझाए थे गाइज, राइट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक सवाल करवाया था और वो सवाल मैंने कल इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, जिससे कि थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओ। उस सवाल को वापस से लेके चलते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट हमारा रहता है तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में वापस से सीखते हैं गाइज, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा जो गाइज कल क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हमारा ये था कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH लेबल्ड एज 2 मोलल, स्मॉल एम मतलब मोलल 2 मोलल एंड डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितनी दी हमें, 1.2 ग्राम ml दिया है। आइए एक बार इनका मतलब समझ लेते हैं कि ये जो टर्म्स इसने लिखी है इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारे पास जो ये 2 मोलल टर्म है, इस 2 मोलल का मतलब क्या है। तो इस 2 मोलल का जो मतलब होता है गाइज, वो होता है कि 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, ये है इसका मतलब। अब आपसे मैंने कल मोलैरिटी निकलवाई थी, क्या निकलवाई थी, मोलैरिटी। और मोलैरिटी होती है गाइस कैपिटल M, और मोलैरिटी का जो मतलब होता है, वो मतलब होता है मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में अगर है तो यहां 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आती है, क्लियर है। यानी कि मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ये रहे यहां पे, जो कितने हैं, 2 है, लेकिन आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकले, तो गाइज आपको दी हुई है डेंसिटी, क्या दी है आपको, डेंसिटी दी है। इस डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब होता है डेंसिटी का, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी भी किसकी है, ये डेंसिटी भी किसकी है गाइज, सॉल्यूशन की है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को माना वी, नीचे यहां पे लिख दिया SOLN सॉल्यूशन, SOL की पावर n जो मैं लिखता हूं, ये सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म होती है, क्या होती है, सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म होती है गाइस, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन मिलके बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि मैं मास ऑफ सॉल्यूशन को फर्दर क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन डेंसिटी एज इट इज है, राइट। आगे चलते हैं, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन डेंसिटी को मैंने कर दिया डी से रिप्रेजेंट। अब मास ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता, इसको एज इट इज लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम, कितना है ये 1000 ग्राम। ग्राम अपॉन डेंसिटी, अभी भी वॉल्यूम निकालने के लिए आपको एक टर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वो टर्म क्या है, वो टर्म है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है आपका NaOH, क्या है सॉल्यूट आपका NaOH है, सॉल्यूट इज NaOH। अगर सॉल्यूट आपका NaOH है तो आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो, NaOH का मोलर मास कल हम लोगों ने निकाला था 40 ग्राम पर मोल, क्या निकाला था गाइज 40 ग्राम पर मोल ही हमारे पास कल मोलर मास इसका निकल के आ चुका था। अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास दो, कितने हैं दो, दो रख दिया जी। गिवन मास हमें निकालना ही है क्योंकि ये तो मास ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि ये डब्ल्यू आपको निकालना है। मोलर मास कितना है जी आपका, मोलर मास है जी आपका 40 ग्राम पर मोल, क्या है जी 40 ग्राम पर मोल। और ये 2 यहां पे क्या है, ये 2 यहां पे क्या है, ये है यहां पे 2 मोल। डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 मोल इंटू 40 ग्राम पर मोल, मोल से मोल तो कट जाएगा और W कितना आ जाएगा 42 जा 80 ग्राम, राइट। तो यहां पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, यहां पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, वैल्यू क्या आई 80 प्लस 1000 ग्राम अपॉन डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 2 ग्राम पर ml, है कि नहीं है, इतना क्लियर है। देखो एक चीज को निकालने के लिए दूसरी चीज फिर तीसरी चीज ऐसे निकालना पड़ रहा है, मोलैरिटी में वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के अंदर मास चाहिए, डेंसिटी से निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए क्योंकि केवल सॉल्यूशन का मास चाहिए था, तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास तो था पर सॉल्यूट का मास नहीं था, तो सॉल्यूट का मास निकाला फिर मोल के फॉर्मूले से बाय द डेफिनेशन ऑफ मोल, राइट। तो ये कितना आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा 1080 ग्राम अपॉन 1.2 ग्राम इंटू ml, ml चला जाएगा ऊपर। इसको क्या लिख सकता हूं, पॉइंट उठा के यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 108 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 12 ml, ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा, क्लियर है। 12 9 जा 108 यानी कि वॉल्यूम आ गया 900 ml, वॉल्यूम किसका आ गया सॉल्यूशन का और आया किसमें ml में। आगे चलते अब मोलरिटी निकालते, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी एम एल इंटू 1000
एक बार दोबारा से लिख देता हूं, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके है? सोल्यूट के। ये वॉल्यूम किसका है? सोल्यूशन का। क्लियर है? वैल्यू कितनी है? 2/900 ml इंटू 1000। 20 से 20 कट इट। क्लियर है? इसके बाद 2/2 × 10 20/9 9 × 2 = 18 9 × 2 = 18.2 बचे। फिर से एक जीरो लगाया, 2 चलता रहेगा, यानी कि मोलरिटी आपके पास क्या आई? 2.22 मोलर। और 2.22 मोल पर लीटर। इसका मतलब है कि 2.2 मोल एक लीटर के अंदर डिसॉल्व्ड है, राइट? यानी कि ये आपके आए दो आंसर्स। पीछे हमने मोल्स की डेफिनेशन से ही निकाला, और विदाउट मोल की डेफिनेशन ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है जी, इसको फटाफट से लिखे, फिर चलते हैं आगे। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। ये डेंसिटी निकालने के लिए हमें एक अलग से फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। डेंसिटी हम जानते हैं कि ये होती है, राइट? डेंसिटी के बाद फिर हमें यहाँ से वी सॉल्यूशन निकालने के लिए मिला। वी सॉल्यूशन जो था वो था मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर अपॉन डेंसिटी के बराबर। डेंसिटी आपको गिवन थी, मास ऑफ जो सॉल्यूशन है वो फर्दर किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। अब आपको सॉल्वेंट का मास तो दिया हुआ है, ये सॉल्वेंट का मास तो दिया हुआ है, ये वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। ये वैल्यूज को निकालने के लिए मैंने यहां पे सॉल्यूट का मास निकाला। ये गिवन मास जो है वो किसके लिए चल रहा है? सॉल्यूट के लिए। ये जो आपके पास गिवन मास है ये किसका है जी? सॉल्यूट का मास है। किसका मास है? सॉल्यूट का। यानी कि ये W जो आपने लिया ये क्या आया? मास ऑफ सॉल्यूट आया। और यही हमने कहां पुट कर दिया? इस मास ऑफ सॉल्यूट में। कहां पुट कर दिया? इस मास ऑफ सॉल्यूट में। इस मास ऑफ सॉल्यूट में जब वैल्यू को पुट किया यहां पे, तो हमारे पास आंसर आया 1080, और हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर उसके बाद आपको जरूरत पड़ी मोलरिटी के फॉर्मूले की। किसकी जरूरत पड़ी? मोलरिटी के फॉर्मूले की। मोलरिटी का फॉर्मूला जब आपने निकाला तो वो आपका आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके पास सॉल्यूट के मोल्स भी है और आपके पास सॉल्यूशंस के मोल भी है। रखा आपके सामने, आंसर आपका आ गया। फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो। दिस इज अवर क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है सब। ए सॉल्यूशन ऑफ एन एच लेबल्ड एज 2 मोलर एंड डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास सिस्टम था, इसी को हमने अपने तरीके से सॉर्ट आउट किया है कि इसका मतलब क्या था। इट मींस, ये इतने ग्राम इतने में डिजोल्व है, इतने मोल इतने में डिजोल्व है, ये सब हमने लिख लिया। इसको लिखेंगे फिर आगे चलेंगे। ये मैंने आपको कल भी कराया था गाइस।
जिसको सब चीज याद है ना वो एक मिनट में निकाल देगा, और जिसको चीज याद नहीं है वो नहीं निकाल पाएगा। चीजों को पता होना बहुत जरूरी है कि किस चीज का मतलब क्या है। लिख लिया होगा, ये पॉज करके लिख सकते हो, इसको लिखो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला है यहां पे, केवल मास को पुट किया है, पिछली स्लाइड में भी है, ये मैंने यहीं पे लिख दिया था, कंटिन्यू किया सेम वहां से। पोज करके लिखना है कि चीज को समझ के क्यों कहां पे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है। ये सोल्यूट का मोलर मास है, क्या है ये मोलर मास या मोलिकुलर मास, एक ही बात होती है भाई। मोलर मास और मोलिकुलर मास में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। एटॉमिक मास है एटम का मास, एवरेज एटॉमिक मास है एवरेज निकालना, किसी चीज को एवरेज में पुट करना। बहुत सारे एटम्स है आपके पास, आप पर्टिकुलर एक का निकाल रहे हो या पर्टिकुलर आप सबको बताना चाहते हो, तो आप एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हो। चीजों का मतलब बहुत सही है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, इनमें कोई भी इतना मतलब कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम्हें मतलब कंफ्यूज कर देगी या बहुत लंबी चौड़ी कोई चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। पोज करके लिखेंगे, आगे चलते आंसर आ गया 2.2 मोलर या 2.2 मोल पर लीटर। अब आगे चलते हैं जी, अब सेकंड नंबर पे निकालते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। इस सॉल्यूशन की परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगी? अब मैं आपको फिर से एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं कि किसका मतलब क्या था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको भूल चुके। एक बार वापस से आपको लिखा देता हूं। बात करते हैं जी मोलैरिटी की, किसकी बात करते हैं? मोलैरिटी, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 मोल्स, किसके? सोल्यूट के। v किसका? सोल्यूशन का। बात करते हैं मोलैलिटी की, किसकी बात करते हैं गाइज? मोलैलिटी की। मोलैलिटी भी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इंटू 1000 ग्राम में लिया है, राइट। उसके बाद परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की। यहां पे सॉल्यूट का वेट भी ग्राम में है और सॉल्यूशन का वेट भी ग्राम में है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में ग्राम में। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट स्पीसीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और सपोज करो कि वो दो चीजों से मिलके बना है, तो Na अपॉन Na प्लस Nb, राइट है। अब ये जो तुम्हारे पास है, अब सॉल्यूशन का आया, सोलवेंट का है, ये भी ग्राम में है
और ये भी यहाँ ग्राम में है, परसेंटेज वालों में 100 से मल्टीप्लाई की है। अब तुम देखो, एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, कि तुम्हारे पास एक मोलैलिटी है, एक परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, एक है तुम्हारे पास परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, एक है तुम्हारे पास मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाई वेट। अब इन पांचों को ध्यान से देखो, और पांचों को ध्यान से देखने के बाद बताओ कि हर जगह ऊपर केवल सोल्यूट की बात की है। अगर मोलैलिटी की बात कहूँ तो सोल्यूट की बात की है, मोलैलिटी में बात करूँ तो भी यहाँ किसकी बात की है, सोल्यूट की बात की है। परसेंटेज वेट बाई वेट की बात करूँ तो भी सोल्यूट की बात की है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की बात करूँ तो भी सोल्यूट की बात की है। यानी कि इन सभी में आपने वेट ऊपर जो लिया है वो सोल्वेंट सोल्यूट का लिया है, किसका लिया है, सोल्यूट का, और हर जगह नीचे सोल्यूशन का है एक्सेप्ट मोलैलिटी। केवल मोलैलिटी में जो आपने नीचे वेट लिया है वो आपने केवल सोल्वेंट का लिया है, केवल और केवल सोल्वेंट का, नहीं तो आप हर जगह सोल्यूशन का ले रहे थे। सबकी यूनिट सी मैंने लिखी हुई है, किसकी यूनिट किस फॉर्मूले में किस तरह से लेनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट? ठीक है गाइस, तो केवल मैंने आपको बताया कि मोलैलिटी में ही यहां सोल्वेंट का वेट लेते हैं, अदरवाइज सबके अंदर ही आप जो भी लोगे वो आप लोगे सोल्यूशन का, किसका लोगे, सोल्यूशन का। इसको फटाफट से लिखो, अब परसेंटेज वेट बाई वेट निकालते हैं इस सॉल्यूशन की, ठीक है। परसेंटेज वेट बाई वेट निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला मेरे पास है यहां से, कि मुझे चाहिएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या चाहिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में, और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से, तभी आपके पास निकल के आएगा परसेंटेज। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, जरा पीछे नजर घुमाओ, ये आपने क्या निकाला है, वेट ऑफ सोल्यूट निकाला है, मास ऑफ सोल्यूट मतलब वेट ऑफ सोल्यूट निकाला है, ये आपके पास है साहब 80 ग्राम, ग्राम में ही है कि नहीं है। और वेट ऑफ सोल्यूशन, ये जो आपने यहां काम किया था ये किसके लिए किया था, अरे वेट ऑफ सोल्यूशन के लिए तो किया था, वेट ऑफ सोल्यूशन वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया 80 और सोलवेंट का कितना था 1000 ग्राम इंटू 100, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अगर आप यहाँ यूनिट्स को अलग कर दोगे, एक को ग्राम में एक को किलोग्राम में ले लोगे, तो फिर यहाँ आपका आंकड़ा बदल जाएगा। वेट बाई वेट एक तरह का रेशियो है, और जब भी रेशियो निकालते हैं तो सेम यूनिट्स का निकालते हैं, सेम यूनिट्स का, तभी तो वो रेशियो आया, और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, यानी कि यहाँ पर अब कोई यूनिट नहीं आएगी। परसेंटेज वेट बाई वेट का अगर आंसर कोई आएगा तो केवल परसेंट में आएगा, परसेंट खुद ही एक यूनिट है, परसेंट में आप यूनिट और से लगा ही नहीं सकते, राइट? तो क्या करेंगे, 80 अपॉन 1080 इंटू 100, जीरो से जीरो गया, आपके पास आया 800 अपॉन 108, क्या आया 800 अपॉन 108। अब 108 से अगर 8 बार चलाऊं तो 800 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7 बार पे अपनी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, 7 पॉइंट। अब जब मैंने 108 को 7 टाइम्स चलाया, यहाँ पे कर देता हूँ, कहाँ पे करूँ, आप इसको कैलकुलेशन खुद से करना। 108 को जब 7 टाइम्स चलाएंगे, तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 108 को जब 7 टाइम्स चलाएंगे तो 78 जा 56, 5 700 5 71 जा 7 और 5 12, तो मेरा आया 756, बचा कितना, बचा अभी मेरा 800 माइनस 756 44 भी फिर से नहीं चलती, यानी कि 44 के सामने आपने पॉइंट तो लगाया हुआ है, एक जीरो लगा ली। अब अगर 4 बार चलाऊं तो दिक्कत हो जाएगी, कितनी बार चलानी पड़ेगी, 3 बार चलानी पड़ेगी, यानी कि यहां पे आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, राइट? अब 3 चलाने के बाद 108 की 3 से मल्टीप्लाई करो,
3 8 3 24, 2 3 0 0 2, और 3 1 3 आया 324, यानी कि 7.3 तो आ गया, 324 बचा आपका, फिर बचा 6। पॉइंट लगाया, जीरो लगाई, एक पॉइंट और लगाना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ लगानी पड़ेगी तभी कर सकते हो। आगे जब चलाओगे तो चल जाएगी कितनी बार, 5 बार लगभग लगभग, यानी कि आपका जो आंसर आया वो आया 7.305%। ये है जी इसका आंसर, परसेंटेज वेट बाई वेट का, लिख लो गाइस, 7.4। चार बार चलाना, सॉरी 3 बार ही चला है, ठीक है लिखो फटाफट परसेंटेज वेट बाय वेट का आंसर। ये आपको पता होना चाहिए, जिसको पता है वो सवाल कर देगा, जिसको नहीं पता है उससे कभी जिंदगी में सवाल नहीं होंगे। कन्फ्यूजन होता है, मैंने एक साथ लिख के कन्फ्यूजन भी खत्म कर दिया, मैंने बोला हर जगह ऊपर सोल्यूट है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट खुद बोल रहा है वेट ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, वेट खुद बोल रहा है वेट ऑफ सोल्यूट। अब मोलैरिटी में नीचे सोल्यूशन, मोलैलिटी में केवल सॉल्वेंट का वेट आ रहा है, बाकी सब में परसेंटेज वेट बाई वेट में वेट बोलेगा सॉल्यूशन का वेट, वॉल्यूम बोलेगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और मोल फ्रैक्शन तो नंबर ऑफ मोल्स का ही रेशियो है, इसमें तो कुछ चक्कर ही नहीं है, पंगा ही नहीं है, राइट है। फटाफट से लिखो, ये था जी कैलकुलेशन पार्ट, साइड में करते हैं इसको काम को, कैलकुलेशन पार्ट को फटाफट से लिखो। फटाफट से लिखो उसको, परसेंटेज वेट बाई वेट आ गया, सारी कंसंट्रेशन निकालेंगे इसकी, सारी कंसंट्रेशन कुछ नहीं छोड़ेंगे, तभी तो क्लियर होगा ये। तुम्हें और कोई पढ़ाएगा तो केवल तुम्हें ये बता देगा कि भाई ये लो, और आप क्या करो फॉर्मूला बता देगा, अप्लाई करना बताएगा नहीं, या अप्लाई करने वाला काम बताएगा वो बहुत आसान आसान से, जो मैंने पहले दिन बताए थे ना आसान आसान से, मोलैरिटी निकालनी है ले, नंबर ऑफ मोल्स दे दे, वॉल्यूम दे दे, निकाल ले, वैसे फॉर्मूले बताएगा, और वैसे तो पेपर में आएगा ही नहीं, और हम केवल बोर्ड के लिए नहीं कि 11th क्लास के लिए नहीं पढ़ रहे, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दी जेई नीट एग्जामिनेशन, तो वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें, नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना, क्रश निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर नहीं पता तो भूल जाओगे, और ये आज ही नहीं पढ़ने, हर चैप्टर में पढ़ने ये पांचों के पांचों, हर चैप्टर में मैं गिनाता गिनाता पागल हो जाऊंगा, इतने चैप्टर हैं इनके, हर चैप्टर में है, हर चैप्टर में, 11वीं हो 12वीं हो किसी में भी हो हर चैप्टर में है, हालांकि ये तो दोनों 9th में भी थे, आगे चले लिख लिया होगा। थर्ड नंबर की बात करते हैं, और थर्ड पे निकालते हैं हम परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, अभी पढ़ा वेट ऑफ सोल्यूट, क्या पढ़ा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट किस में, ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में, मल्टीप्लाई बाई 100। बता दो भाई वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया, आया था ना 80 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था, बताओ रे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां निकाला था ना ये v सॉल्यूशन 900 ml आया था, कितना आया था 900 मल्टीप्लाइड बाई 100, 20 से 20 गम, 80 अपॉन 9 आया, और 80 अपॉन 9
नाइन एट जा 72.8 बचे, जीरो लगाया, फिर से 8 आया, आंसर इज 8.8%। कौन सा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का? लिख लो जी, थर्ड भी हो गया। लिखो जी, फटाफट लिखो। आगे चले जी, बात करते हैं फोर्थ। फोर्थ है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यही तो लिखा था कल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को क्या लिख सकता हूं? NH2O। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या आएंगे? सोल्यूट प्लस सोलवेंट के मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। सोल्यूट क्या है भाई? NaOH है। सोलवेंट क्या है? वॉटर है। सोलिड अगर किसी के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो जो सोलिड है वो सोल्यूट होता है, और जो उसके अंदर डिजोल्व करते हैं जिसके अंदर, वो होता है सोलवेंट। राइट, एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक्वस वहां पे सोलवेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सोलवेंट का काम कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर किसके बराबर होगा? वॉटर के गिवन मास अपॉन मोलर मास के, यानी कि WH2O अपॉन MH2O। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH2 यही है, WH2O अपॉन MH2O। WH2O कितना है? सोलवेंट का वेट था 1000 ग्राम। MH2O कितना है? 18। 2 प्लस 1000 अपॉन 18। H2O का मोलर मास तो पता है ना? अरे O का 16, हाइड्रोजन का 1 और 2 का हो जाएगा कितना? 2। 16 प्लस 2 18। क्लियर। इसके बाद अपॉन 18 इंटू एलसीएम ले लेंगे, अपॉन 18 36 प्लस 1000, 18 से 18 कट, 1000 अपॉन 1036। राइट, कटेगा तो नहीं है ऐसे, पॉइंट लगा के क्या कर ली? जीरो बढ़ा ली, और जीरो बढ़ा के क्या हो जाएगा? 1036 क्या हो जाएगा? 1036 10000। तो कितनी बार चलेगी ये? चलेगी जी
1000, अगर इसको मान लो 1050 के आसपास मान लो, तो ये आपका चलेगा 1036। 10 टाइम्स तो नहीं चला सकते, 9 टाइम्स में नहीं चला सकते, 8 टाइम्स चला सकते हैं। 0.8 इज द आंसर। खत्म, मोल फ्रैक्शन भी खत्म। करो फटाफट, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल दिया। ये होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए। 0.8 आ गया आपका जी आंसर। क्लियर जी, आगे चलते हैं। अब निकालते हैं इसकी, अभी हमने निकाला क्या फोर्थ नंबर पे मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ निकालते हैं नॉर्मेलिटी। क्या निकालते हैं? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होती है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। क्या होती है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर कहां से आएगा? ये एन फैक्टर आएगा NaOH से। किससे आएगा? NaOH से। बताओ NaOH क्या होता है? बेस होता है। एसिड बेस एंड सोल्ट में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? NaOH के बारे में पढ़ा। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसका नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है जी इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम बोला जाता है Na को, हाइड्रोक्साइड बोला जाता है OH माइनस को, और सोडियम पे होता है एक प्लस का चार्ज। एन फैक्टर मैंने क्या बताया था? इसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं इसको? मोड्यूलस। मोड्यूलस ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज। और मोड्यूलस ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज। बताया था कि नहीं बताया था? इसको बोलते हैं मोड लगाना। मतलब हमें उसकी नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जस्ट अगर मोड लगा देते हैं तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की। नेचर से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नेचर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इन मैग्नीट्यूड? ओनली द नंबर। वो नंबर कितना है? एक है, दो है, तीन है या चार है? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बस ये बता दो कि यहां इस NaOH को जो तुम लोग देख पा रहे हो, इस NaOH में जो तुम लोग देख पा रहे हो, कितना पॉजिटिव चार्ज है? इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहां पे तुम एक लिख सकते हो और साइन छोड़ ही दो, साइन तो छोड़ना ही है उसका। यहां पे भी कितना है? एक नेगेटिव है और साइन से कोई मतलब ही नहीं, यानी कि दोनों से एन फैक्टर कितना आया? एक ही आया। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इसकी नॉर्मेलिटी आई मोलरिटी इनटू 1 के, यानी कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी, एंड नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी कितनी आई इसकी? 2.22। मोलरिटी कितनी आई थी इसकी? 2.22। ये रही मोलरिटी, 2.22 आई थी ना। यही मोलरिटी को हमने क्या किया? यहां रख दिया। और ये अब की बार कितना हो गया? नॉर्मल। वहां पे क्या था? मोलर। यहां पे क्या होगा?
नॉर्मल, क्योंकि आपने क्या निकाली है, नॉर्मेलिटी निकाली है। क्या निकाली है आपने, नॉर्मेलिटी निकाली है। नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला रख लो, फॉर्मूला लिख लो जी, सॉल्व कर लो। आई थिंक मैंने इसके तुम्हें सारे ही करा दिए। पांच छह तरह की कंसंट्रेशन पढ़ाई थी, एक एक कंसंट्रेशन तुम्हारे सामने बोर्ड पे है। एन फैक्टर निकालने के लिए सोल्ट पता होना चाहिए, सोल्ट को तोड़ना आना चाहिए, और टूटता वो अपने नाम के हिसाब से है। अब आप इसको ऐसे नहीं कि H को अलग ले जाओगे, Na को अलग, O को अलग, नहीं, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्साइड स्पेसीज पर्टिकुलर इसके लिए यूज की जाती है, OH माइनस के लिए। सोडियम होता है Na के लिए, हाइड्रोक्साइड पे चार्ज हमेशा आपको माइनस वन ही मिलेगा, यानी कि माइनस वन इज द चार्ज ऑन हाइड्रोक्साइड आयन एंड प्लस वन इज द चार्ज ऑन सोडियम आयन। दोनों से क्या आ गया, एन फैक्टर निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, केवल एक पॉजिटिव चार्ज दिखा ना, तो एक आया, एक ही नेगेटिव चार्ज दिखा। या तो आप नेगेटिव चार्ज से निकाल लो भाई, कोई बेनिफिशियल है, कोई महारत हासिल कर रखा है नेगेटिव चार्ज को देखने में, या तो वैसे निकाल ले या पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से निकाल ले। दोनों से आना सेम ही है किसी भी सोल्ट के लिए। फॉर ईच एंड एवरी सोल्ट प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, एन फैक्टर विल कम सेम फ्रॉम द मॉड्यूलस ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज एंड फ्रॉम द मॉड्यूलस ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट, लिखो फटाफट। छोड़ूंगा नहीं, ये तो तुम मेरे सामने नहीं हो, वरना मैं तुम्हें ये तुम्हारे इंजेक्ट कर देता बॉडी के अंदर, एक एक फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला इंजेक्ट। इस पे जरूर, इसको जरूर एक बार निगाह से, इसको जरूर एक बार लिख लेना अपनी कॉपी के ऊपर, जितनी बार लिखो उतनी बार कम है ये, इसको जरूर लिख लेना। राइट, नॉर्मेलिटी को फटाफट लिखो। एक और क्वेश्चन करते हैं, द मोर क्वेश्चन वी विल डू द मोर बेनिफिशियल, द मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट वी विल हैव। जितना अच्छे तरीके से आप सवालों को करोगे, उनको बेसिक कोर, उसकी कोर नॉलेज से उसको पिक करोगे, उतना अच्छा ओवरव्यू चैप्टर का तुम्हारे सामने आएगा। वरना हर चैप्टर तुम्हें ऐसा ही लगेगा, इसमें क्या चल गया, उसमें क्या चल गया, इसमें क्या चल गया, उसमें क्या चल गया। चैप्टर का ओवरव्यू होता है उसकी कोर नॉलेज, और ये है उसकी कोर नॉलेज। एक एक चीज का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। लिख लिया होगा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं फिर से। वी आर गेटिंग दी थिंग्स वाया क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट एक बार बता के छोड़ दिया जाता है, क्वेश्चंस करने से उस कॉन्सेप्ट को चलाना आता है। जैसे कि मैंने बता दिया कि भाई तलवार है या ये धनुष है, राइट, दिखा दिया, एक बार बुला के इसे लगवा भी दिया। बट तुमसे मास्टर तो नहीं बन जाओगे। मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो एक अच्छे से निशाना लगा पाओगे, तभी तो उसको अच्छे से चला पाओगे। यानी कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और ये हर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसने कोई एक चीज पूछी है, मैं आपसे पांचों की पांचों चीज निकलवाता हूं, जिससे कि आप उसको और बेहतर तरीके से कर पाओ गाइस। राइट है, सॉल्यूशन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला मैंने आपको कल ही बताया था, NH2CO NH2। Labeled as 2 molar and density is 1.2 gram per ml. Density is 1.2 gram per ml. आइए मतलब समझते हैं इस 2 molar का।
इस टू मोलर का मतलब होता है जी, टू मोल्स ऑफ यूरिया। Dissolved in 1 liter or 1000 ml of solution। जो काम की चीज इसके अंदर थी वो थी कि 2 mole of urea dissolved है और किसके अंदर, 1000 ml या 1 liter solution के अंदर, 1000 ml या 1 liter solution के अंदर dissolved है। ये था मतलब 2 molar का। अब आपको क्या पता लग चुका, आपको इससे पता लग चुका what have you known फ्रॉम दिस नॉलेज। आपको पता लगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है आपकी बार यहां पे यूरिया है, वो कितना है 2। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या पता है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ml और 1 liter, दोनों चीज आपके सामने है। और आप क्या जानते हो, यूरिया का अगर आपको पता लगा तो आपको पता लगा कि मोलिकुलर मास, क्या भाई, मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया इक्वल्स टू 80 gram per mole। पता लगा कि नहीं पता लगा, कल भी निकाला था, अरे ऐड करके कल भी बताया था ना यूरिया का मोलर मास कैसे निकालना है, मोलिकुलर मास इतना आ गया। ये तीन चीजें तो आपको पता है, बड़े आसानी से क्वेश्चन देखते ही पता लग गया, लगा कि नहीं लगा, पता बताओ, पता लगा, ये तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग चुका। ये आपको लग गया जी क्वेश्चन देखते ही पता। ये नॉलेज देखो, अब इससे सब कुछ निकालते हैं, इससे निकालते हैं जी सबसे पहले अपनी मोलैलिटी। क्या निकालते हैं जी इससे, मोलैलिटी बोले तो स्मॉल m। क्या निकालते सबसे पहले, मोलैलिटी स्मॉल m। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बार बार लिखता हूं मैं, बार बार लिखता हूं, जितनी बार लिखूंगा उतनी बार मैं सीखूंगा, तुम्हें भी लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम नहीं आता मोलैलिटी में, क्या आता है वेट या मास, वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, कितने में, ग्राम में, मल्टीप्लाई किससे, 1000 से। अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता है सॉल्यूट के कितने हैं, उसने 2 दिए हुए हैं बिल्कुल बखूबी तरीके से, यार ये वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे पता लगेगा। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपको पता करना पड़ेगा भाई आपका जो सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट के, यानी कि आपका सोल्यूशन का वेट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोल्वेंट। और अगर मैं वेट ऑफ सोल्वेंट की बात करूं तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एन अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, ये नहीं कर सकता क्या मैं, ये कर सकता हूं। आइए बात करते हैं इस वेट ऑफ सॉल्यूशन की, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इस वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम निकालेंगे
डेंसिटी की हेल्प से। किससे हेल्प निकालेंगे? डेंसिटी की हेल्प से। सॉल्यूशन की बात है तो डेंसिटी भी सॉल्यूशन की गिवन होती है, और अगर डेंसिटी सॉल्यूशन गिवन है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। डेंसिटी की वैल्यू दी है 1.2 ग्राम पर ml। वेट ऑफ सॉल्यूशन यू वांट टू फाइंड आउट, तो इसको W लिखो और नीचे सॉल्यूशन से एब्रीविएट कर दो। एब्रीविएशन आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी तो निकाल के लाया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ml। कितना? 1000 ml। तो W ऑफ सॉल्यूशन क्या आया? 1.2 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाय 1000 ml। ml से ml गया तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या आया जी? वेट ऑफ सॉल्यूशन आया 1200 ग्राम। क्या आया? ग्राम। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन मैं सीधा कहां पुट करूंगा? यहां पुट करूंगा, सॉरी, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन मैं कहां पुट करूंगा? यहां, और फिर यहां से यहां, राइट। मैं पुट करूंगा ये वेट ऑफ सॉल्यूशन यहां पे। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे रखना है 1200 ग्राम वहां पे। अभी आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन और फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या फाइंड आउट करना है? वेट ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मोल की डेफिनेशन, इसको निकालते हैं जी यहां से, यहां वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा? आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू किसके होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसकी बात कर रहे हो? सॉल्यूट की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? सॉल्यूट की बात कर रहे हो। किसके मोल्स की बात कर रहे हो? सॉल्यूट के मोल्स की बात कर रहे हो। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आया? नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2, कितने हो गए 2, और मोलर मास कितना है सॉल्यूट का? 80। कितना है? 80 मोलर मास ऑफ यूरिया, 80। ये तो सॉल्यूट है, 80। 18 × 160, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट आपका आया 160 ग्राम। कितना आया जी? 160 ग्राम। अब आपके पास आपकी मोलरिटी में जो चाहिए था वेट ऑफ सॉल्यूशन भी है और वेट ऑफ सॉल्यूट भी है, राइट। आगे चलते हैं, इसको एक बार यहीं का यहीं बंद कर देते हैं जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना करे। इसको बंद कर देते हैं, ये डब्बे मैंने यहां से अलग निकाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मेरे पास मोलैलिटी जो आई वो आई n अपॉन w ऑफ सॉल्यूशन माइनस w ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000। नंबर ऑफ मोल्स 2 थे, सॉल्यूशन का वेट 1200 ग्राम आया, सॉल्यूट का आया 160 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। m इक्वल्स टू 2 अपॉन 1200 माइनस 160 140 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 10 से 10 कट इट डाउन, m इक्वल्स टू 200 अपॉन 104
टू से डिवाइड किया दोनों को, कितना आ जाएगा 152। फिर से डिवाइड किया 2 से, कितना आ गया 50/26। फिर से डिवाइड किया 2 से, कितना आ गया 25/13। अब 13 2 जो होता है 26 नहीं चल सकता, यानी कि पॉइंट आगे जीरो लगाया, राइट। अब आया कितना 250। अब 250 अगर आया, सॉरी 2 बार है जब 1 बार चलेगा, राइट, तो 13 कटा। अब आपके पास कितना बचा 7 और 5 12 पे फिर से नहीं चल सकता, क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के जीरो लगानी पड़ेगी। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी पहले लगा ही दिया, जीरो लगा ली 120, 30 10 जा तो होता है 130, तो 9 जबे चलेगी, यानी कि मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या ही, मोलैलिटी इक्वल्स टू 1.9 मोलर और 1.9 मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। दिस इज द आंसर, निकल गई मोलैलिटी, मोलैलिटी दी हुई थी, मोलैलिटी फाइंड आउट कर ली। सवाल को लिखो और सवाल को सोल्व करो फटाफट। सवाल लिखो, छोड़ेगे नहीं सवाल एक भी, बहुत सारे सवाल करने हैं हम लोगों को, तो इतने सवाल करने हैं, दुनिया जान के सवाल करने हैं। लिखो, इट मींस, ये क्या था, इट मींस ये डेंसिटी वगैरह की सबकी जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए मैंने पहले डेंसिटी को बताया था पहले ही, कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एक एक चीज पहले बता दी, यूनिट पहले बता दी, छोड़ा ही नहीं तुम्हें बताने के लिए कुछ भी, कितने बढ़िया फ्लो में चल रहे हैं, पहले बेसिक बेसिक बेसिक, फिर जोड़ 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 के आगे आगे आगे, ऐसे तो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। इसको लिखो फटाफट, पॉज करके लिखना, इस पे तो पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट को लिखने का दूसरा तरीका है जी, वेट ऑफ सॉल्वेंट को लिखने का दूसरा तरीका है, और भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास सॉल्वेंट का वेट ही नहीं है तो आप सॉल्यूशन के वेट में सॉल्यूट का वेट घटा दो, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इक्वल्स टू सॉल्वेंट, यू नो द इक्वेशन, एवरीथिंग एवरीथिंग। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, आपको वेट चाहिए, तो आपके सॉल्यूशन का वेट या वॉल्यूम होगा सॉल्यूट के वेट या वॉल्यूम प्लस सॉल्यूट या सॉल्वेंट के वेट या वॉल्यूम के सम के बराबर, राइट, यानी कि सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में हो, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में हो। जैसे कि एक गिलास के अंदर एक चम्मच चीनी को डिसॉल्व करना, यानी गिलास के अंदर पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, चीनी थोड़ी थी, तो चीनी जे सॉल्यूट, पानी जे सॉल्वेंट, और अगर वो एक्वस सॉल्यूशन दे देता है, इसका मतलब तो खुद ही है कि वहां सॉल्वेंट वॉटर ही है। लिख लो गाइस फटाफट, आना चाहिए दोनों ग्राम में ही, यूनिट्स आपको सेम रखनी है, सेम यूनिट में से ही सेम यूनिट घट सकती है, अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो आप उसको नहीं घटा सकते, या तो ग्राम को किलोग्राम, दोनों किलोग्राम में हो या ग्राम ग्राम में हो, सेम यूनिट्स की चीजों को ही घटाया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है। फिर आगे, दिस इज दी आंसर, 1.9 मोलल या 1.9 या 1.9 मोल पर किलोग्राम। दिस इज अवर आंसर, मोलर का मतलब होता है मोल पर किलोग्राम, और मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर।
अब तो यूनिट्स भी पता लग गई आपको, यूनिट्स ही पता लग जाएगा, मोल लीटर में डिसॉल्वड है, मोल किलोग्राम में डिसॉल्वड है, किलोग्राम इज अदर थिंग, लीटर इज अलग थिंग। अरे घर में भी तो लेते हैं ना, कई बार हम लिक्विड को भी किलोग्राम में ले लेते हैं। एक किलो दूध दे दो जी, कभी बोलते हो मैं लीटर दूध दे दो, आता लीटर में है, किलोग्राम में नहीं आता। लिक्विड को मीजर करते हैं लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, सॉलिड को मीजर करते हैं ग्राम्स किलोग्राम्स में। हाँ किसी किसी का लीटर और ग्राम, यानी कि लीटर और किलोग्राम सेम हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे। अगर डेंसिटी वन है, जैसे कि पानी की बात करो, अब आप पानी एक किलो लो या एक लीटर लो, एक ही बात है क्योंकि डेंसिटी वन है। पर अगर किसी की डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी तो उसके ग्राम में अमाउंट और लीटर में अमाउंट घटेगी या बढ़ेगी। क्लियर? आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम इसकी मोलालिटी तो फाइंड आउट कर चुके, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, ये सब फिर से निकालेंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी तुम्हें डाउट आता है तुम मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हो। थैंक यू।